हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अबूजा, आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। थ्री थिंग यू मस्ट अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। गाइज, तीन चीज़ जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, वो चीज़ को अगर अवॉइड कर लिया जाए तो नीट बहुत ज़्यादा इजीली क्रैक किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड आज बात करते हैं। फर्स्ट थिंग यू मस्ट अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट शुड बी प्रोक्रास्टिनेशन। गाइज, प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है। बहुत बार प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, रूटीन बना के बैठ जाते हैं, बट जब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, शादी है, ये करने से गाइज सिलेक्शन नहीं होना है। तुम्हारा बैकलॉग्स लगता जाएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, मॉक टेस्ट दोगे, कुछ मार्क्स नहीं आएगा, एवरीथिंग विल गो इनटू वेन। सो यू शुड अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, फर्स्ट मोस्ट थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व नहीं करते हैं कि उनको डर लगता है कि मेरा 200 मार्क्स आ जाएगा, 100 मार्क्स आ जाएगा, 300 मार्क्स आएगा, 400 मार्क्स आएगा। उसे डर लगता है कि मैं 600 नहीं कर पाऊंगा, उसे डर लगता है कि मैं 650 नहीं कर पाऊंगा। ये डर निकाल दो गाइस। इस डर के साथ अगर तुम प्रिपेयर करोगे ना और मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जो कि ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है तुमको नीट के प्रिपरेशन के टाइम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के टाइम में, जब तुम मॉक पेपर का एनवायरमेंट बना के पेपर सॉल्व करके एग्जाम देने नहीं जाते हो, सिलेक्शन नहीं होगा। कोई नहीं कर सकता है सिलेक्शन गाइस, मॉक टेस्ट नहीं दोगे सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट अवॉइड, एनसीईआरटी बुक इज ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन गाइस। सो यू शुड नेवर अवॉइड एनसीईआरटी। किसी भी कोचिंग मटेरियल पढ़ लो, कोई भी नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी अवॉइड करो, सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी को अवॉइड करना ही नहीं है गाइस।